मैं आज सुबह से वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला था हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, और मैं सुबह से ही ना सबसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ यार, कोई बता दो मेरे को यहाँ पे रावण दहन कहाँ पर होता है, तो कोई नहीं बता रहा। तो अभी मैं निकल तो गया हूँ, हिमानी कह रही मैं नहीं जा रही, मैं निकल तो गया हूँ देखने के लिए कि यहाँ पे कहीं पर रावण दहन होता है। मेरा हो गया है, हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ, पर लेकिन मेरे आसपास मैंने नहीं देखा है, पूरे हैदराबाद में मैंने नहीं देखा कहीं पर रावण, तो लेट्स सी कि मुझे देखने को मिलता है नहीं मिलता। हैदराबाद की दशहरा, हैदराबाद का दशहरा। मेरे सिक्योरिटी गार्ड भैया ने बताया तो है कि एक जगह पे होता है, मैं देखता हूँ वहाँ पे कैब करके जाऊँगा, अगर कैब मिल गई मेरे को तो फिर कैब करके जाएंगे वहाँ पे। अभी कुछ आधे घंटे बाद मुझे ऑटो मिला और अब जाके मैं पहुँचा हूँ लिंगमपल्ली। अभी तो वन स्टॉप है, अभी किसी से पूछा था तो पर्सन केयर में होता है लिंगमपल्ली पहुँचा, अभी यहाँ से दोबारा ऑटो करूँगा। अंधेरा बहुत हो गया, मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा, पर फिर भी जाऊँगा तो सही, अब निकला हूँ तो जाऊँगा। पता नहीं मैं, मेरे को लगता है टाइम हो गया, वैसे लेट हो गया हूँ मैं, लेकिन देख लेते हैं जाके अगर मिल गया तो अच्छा। यहाँ पटाखे वटाखे फूट तो रहे हैं, देखते हैं। कुंभकर्ण को जलाया ऐसे दिल्ली में, ऐसे अलग अलग बनते हैं यहाँ पे, ऐसे जलाते हैं मतलब ऐसे जलाया। Yeah!
स्टे बहुत बार हुआ है, आतिशबाजी के चक्कर में राउंड जल जाता है, और राउंड जल गया। अभी कुछ प्लान नहीं था राउंड को चलाने का, पर लेकिन जल गया, अब खत्म, अभी आतिशबाजी बचेगी। इसने अभी वहां पे डैमेज कर दिया, वहां पे जो भीड़ लगी है, वहां किसी को लग गई है। The best part. रामलीला ग्राउंड से सीधा यहाँ पर आ गया हूँ, तो उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज अपनी बीवी से और एक रीजन की वजह से प्राउड हो गया हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ रामलीला देखने नहीं गई, मतलब वो राउंड देखने नहीं गई। और सुबह से मैं बहुत सारे लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई बता दो मेरे को हैदराबाद में कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, और मेरे को किसी ने नहीं बताया। बट सडनली आई वेंट टू द सडनली क्या मतलब सरप्राइजिंगली आई वेंट टू द सिक्योरिटी गार्ड वाला भैया, एंड सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया से मैंने पूछा, भैया जी बता दो मेरे को, प्लीज बता दो कि यहाँ पे कहाँ पर होती है रामलीला, मेरे को वीडियो लॉग बनाना है। तो मुझे भैया ने बताया कि यहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर दूर है, वहां पर होती है हैदराबाद की बेस्ट दी बेस्ट रामलीला। पर बेसिकली वो रामलीला में रामलीला तो हो ही नहीं रही थी, बस पटाखे फूट रहे थे। यहाँ पे बेसिकली क्या होता कि सिर्फ रावण को जलाते हैं और मेघनाथ जी और कुंभकर्ण जी दोनों को नहीं जलाते, तो लेकिन वन ऑफ द बेस्ट रामलीला, वन ऑफ द बेस्ट रावण दहन में जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो हैदराबाद में देखा है। ये पतंगचेरू में होता है, जितने भी लोग हैदराबाद में देख रहे हैं और हैदराबाद वाले हैं और वो देखना चाहते हैं और वो नेक्स्ट टाइम जाना चाहते हैं तो पतंगचेरू में होता है, और पतंगचेरू में जाके देखना इट इज वेरी गुड। लड़कियों को मत लेके जाना क्योंकि बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम प्राउड ऑफ हिमानी, मतलब बिकॉज उसने मुझे बोला मैं नहीं जा रही, और मैंने भी एग्री करा कि वो अच्छी बात है नहीं जा रही है। पर वहां से वापस आते वक्त क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्डिंग करे वक्त मेरी बैटरी खत्म हो गई, तो मैं कैब नहीं कर पाया, तो मतलब मैं कैब भी नहीं, वहां से मैंने ऑटो करा, शेयरिंग ऑटो, एंड सी व्हाट हैपेंड।
आई डोंट नो, मतलब ये हिमानी ने मेरे को बताया कि तुम्हारी उंगली में से खून निकल रहा है और ये पूरी पूरी उंगली, ये उंगली आधा हाथ पूरा खून खून हुआ हुआ था। आई डोंट नो कैसे हुआ, पर लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे हुआ। मैं भी ऑटो में दो शेयरिंग ऑटो कर रहे हैं, मतलब एक एक ऑटो में कितने इंसान बिठा सकते हो भाई, 8 लोग बिठाए भाई साहब, इतना तो गाड़ी में भी नहीं बिठाते। और उन 8 लोगों के चक्कर में एक बंदा बैठा और वो मेरी गोदी में बैठा, व्हाट द, मतलब मेरा मन था कि उसको धक्का मार के नीचे गिर दूं। तो आज के दिन में जितने भी लोग मुझे अभी तक देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने वो रामलीला देखी है, जितने भी लोगों ने वो दशहरा देखा है और अभी भी मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दिस इज शैंकी, लेट्स से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर डेली व्लॉग्स, बोरिंग व्लॉग्स बट डेली व्लॉग्स, यू नो डेली व्लॉग्स। और क्यों करोगे तुम सब्सक्राइब, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल, इसलिए बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, इफ यू थिंक यू आर ब्यूटीफुल, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर डेली व्लॉग्स, बाय।